जी, माननीय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी, आदरणीय बापूजी डॉक्टर करण सिंह जी, उपस्थित परिजन, धर्मा ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कृतज्ञ हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम के लिए हमें अपने निवास पर आमंत्रित किया। इस अवसर पर उनकी उपस्थिति विशेष गरिमा प्रदान करती है। हम सबको खुशी एवं गर्व है कि इतने महत्वपूर्ण प्रकाशन के लोकार्पण के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उपस्थित हैं और वे भी बापू जी के 90वीं जन्मदिवस के अवसर पर। अब मैं आदरणीय बापू जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय और इस सभागार में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, हम बहुत कृतज्ञ हैं मोदी जी आपके कि मेरे अनुरोध के ऊपर आपने केवल इस प्रकाशन के लोकार्पण को ही नहीं स्वीकार किया बल्कि अपने निवास स्थान में बुलाया हमें और यहाँ की करवा रहे हैं। हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। 1846 में हमारे पूर्वज महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना की थी, उसके साथ उन्होंने धर्म ट्रस्ट की भी स्थापना की, क्योंकि वो जानते थे वहां बड़े प्राचीन, आप जानते हैं हमारे से बहुत पहले, हजार वर्ष पहले शंकराचार्य है, खीर भवानी है, जम्मू में भी कुछ स्थान है, उन सब की सुरक्षा के लिए उन्होंने धर्म ट्रस्ट की स्थापना की थी। और उस समय से लेकर आज तक ये ट्रस्ट चला आ रहा है। आज भी 100 से ज्यादा हमारे पास जम्मू कश्मीर में स्थान है और मंदिर है जो धर्म ट्रस्ट के नीचे है। हमारे दूसरे जो महाराजा थे उनके बाद महाराजा रणवीर सिंह, उन्होंने ये भव्य मंदिर बनाया जो आपने जम्मू में देखे हैं, रघुनाथ मंदिर जो अद्भुत है, रणवीरेश्वर मंदिर इत्यादि। और उन्होंने मंदिर के निर्माण के अतिरिक्त उन्होंने अपने पंडित भेजे भारतवर्ष के कोने से कि पांडुलिपियां ले आओ। देखिए कितनी पुरानी, 150 साल की बात है। तो पांडुलिपियां उन्होंने इकट्ठा करके लाई जो इस समय श्री रणवीर संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में ही है, वहां इस सुरक्षित है। उन्हीं पांडुलिपियों में से मोदी जी, हमारे जो संपादक डॉक्टर करुण किशोर मिश्र हैं, उन्होंने काफी परिश्रम करके उसमें से वो गीता, भगवत गीता की पांडुलिपियां निकाली और अब ऐसा किया कि उनको एक प्रकार से एकत्रित करके गीता के हर एक श्लोक के ऊपर 20 या 21 अलग अलग टिप्पणियां हैं, जो एक अद्भुत चीज है। मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई हुआ हो। तो ये भव्य कार्यक्रम का 11 वॉल्यूम है। और फिर हमने मोतीलाल बनारसी दास को ये काम दिया क्योंकि हमें लगा ये, क्योंकि पुराने प्रकाशक हैं, आप जानते हैं इनके 100 साल से ये संस्कृत की किताबें छाप रहे हैं, तो उनको किया और वो प्रकाशित हो गया। अब भगवद गीता के बारे में आपको क्या बताऊं, शंकराचार्य जी ने कह रखा है, भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कनिका पीता, सकृत अपियस्य मुरारी समर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। और गीता स्वयं कहती है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। इस धर्म का थोड़ा सा भी अंश आपको बहुत बड़े भय से बचाता है। अब वो क्या कारण है कि गीता इतनी लोकप्रिय है? जैसे सर्वोपनि तो उपनिषद है, उपनिषद से ही गीता का जन्म हुआ है, लेकिन गीता इतनी लोकप्रिय क्यों है? मुझे चार कारण दिखते हैं मोदी जी। पहला कारण यह है कि गीता संघर्ष का शास्त्र है और आज हम लोग संघर्ष की परिस्थिति में है। हम उपनिषद का बिल्कुल वातावरण अलग था, बैठे हुए आराम से हिमालय की किसी पर्वत चोटी पे आश्रम में, लेकिन गीता में तो वहां युद्ध शुरू हो रहा है, शंख बज चुके हैं, प्रक्षपात तैयार हो रहे हैं उसके बीच में। तो ये याद रखा जाए कि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा में एक स्थान नहीं है, हम सब के अंदर कुरुक्षेत्र है, हमारे अंदर ही दैविक और आसुरिक शक्तियों का युद्ध हो रहा है। इसलिए हम लोग संघर्ष में, और आजकल विशेषकर संघर्षमय परिस्थिति में है, इसलिए ये हमें बहुत आकर्षित करता है। पहला कारण।
दूसरा कारण ये कि भगवत गीता के गुरु का विलक्षण स्वरूप, हरेक उपनिषद के गुरु हैं, आप जानते हैं याज्ञवल्क्य हैं, जनक हैं, अंगिरस इत्यादि हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम करतले विनुम करे कंगनम सर्वांगे हरिचंदनम चिकलयन कंठे च मुक्तावलीम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल सुडा। जहाँ कृष्ण स्वयं गुरु हों उसका तो आकर्षण होना ही है, बड़ा मजबूत। तीसरी बात मोदी जी, जो गीता में गुरु और शिष्य का एक अद्भुत संबंध है वो मैंने और कहीं नहीं देखा। जब विराट स्वरूप दर्शन हो जाता है, अर्जुन प्रणाम करते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादयाम, तो हम ईशमीज मैं साष्टांग करता हूँ, किस प्रकार का व्यवहार मांगते हैं, पितैव पुत्रस्य सखैव सखियु प्रिया प्रिया देव। देखिए कैसी अद्भुत बात है, पिता पुत्र का प्यार, सखा मित्र का प्यार और प्रिय प्रियतम का प्यार, तीनों का सम्मिश्रण जो है वो संबंध है कृष्ण और अर्जुन का। ये और किसी शास्त्र में हमने ऐसा नहीं देखा। ये भी एक कारण है कि हृदय स्पर्श करती है हमें, क्योंकि वो कहीं ऊपर से ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ रथ में बैठे हैं मित्र की रूप से। और चौथी बात यह है सार्वजनिक व्यवहार। गीता किसी एक वर्ग, किसी एक वर्ण, किसी एक धर्म, किसी एक देश तक सीमित नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हर एक प्राणी के अंदर भगवान का निवास है। ये हमारे वेदांत का मंत्र है, ऋग्वेद का, बहुत हमारे संस्कृति का मूल मंत्र है। एक एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति, सताई एक है, उसे कहने के अलग अलग मार्ग है। इसलिए गीता में हर एक जगह, इस सारी दुनिया में जब जाता हूं मैं, तो गीता जो लोग, केवल हिंदू नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी गीता को पढ़ते हैं बड़े रुचि से। ये चार कारण मैं मानता हूं मोदी कि गीता इतनी लोकप्रिय है। अब गीता का संदेश क्या है, उस पर भी चार मुद्दे संक्षेप में रखता हूं मैं। पहला तो वो कर्मों की हमें व्याख्या करता है, गहनों कर्म लोकति। कर्मों की गति बड़ी कठिन है, हर एक के सामने कठिन है। आपको कितने निर्णय करने पड़ते हैं, आप प्रधानमंत्री हो कि साधारण व्यक्ति हो, अपने जीवन में रोज कोई ना कोई नया हमें करना पड़ता है निर्णय। तो निर्णय का उन्होंने डूज और डोंट नहीं किया, जैसे कुछ लोगों ने कहा ये करो ये नहीं करो, नहीं, उन्होंने एक आंतरिक मंत्र दे दिया। क्या कहा उन्होंने, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। जो ईशावास्यम इदम सर्वम, जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति है, उसको यदि हम अपने कर्म से उसकी पूजा करते हैं तब हम सिद्धि की ओर जाएंगे। उसका अर्थ ये निकला कि जो भी हमारे इष्ट हैं, मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, यत यत कर्म करो मि तत् तत् अखिलम शंभो तबारा, कृष्ण हो, दुर्गा हो, माता हो, जीसस हो, मोहम्मद, जो भी हो, अगर आप सच्चे दिल से समर्पण करते हैं कर्म को, फिर आप गलत कर्म नहीं कर सकते। कि जो ही गलत कर्म करना शुरू किया आपने, आपको लगेगा ये तो मैं उनको नहीं समर्पित कर सकता। तो ये उन्होंने मंत्र दे रखा है कर्म का। दूसरी बात, उन्होंने एक संयुक्त योग की बात की है। हमारे संस्कृति में आप तो जानते हैं चार प्रमुख योग हैं, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, राजयोग है, अलग अलग इनके शास्त्र भी हैं। लेकिन गीता में 700 श्लोक के अंदर चारों योग की उन्होंने व्याख्या की है। और जो जैसे ज्ञान योग नहीं, ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, और भक्ति योग तो है ही, जहां कृष्ण होंगे भक्ति भक्ति होगी, और कर्म योग की मैंने बात कही। राजयोग के बारे में भी मोदी जी अगर आप पढ़ें, पर्याप्त उसमें सामग्री है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे श्वास लेना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए। तो चारों योग सम्मिश्रित योग। तीसरी बात, संयुक्त आश्वासन, बड़े आश्वासन देते हैं मोदी जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभिस्ता नाम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। और कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तपरश्चि। लेकिन अब मैं एक नई बात कहूंगा, वो जो आश्वासन आप अगर आश्वासन देते हैं कोई लोकसभा में, तो एक साल के बाद वो कहीं प्रधानमंत्री आपने आश्वासन दिया था पूरा कीजिए। तो श्री कृष्ण को ऐसे ही जाने दें बांसुरी बजाते बजाते, आश्वासन दे के निकल जाए, बंधना बांधना है उनको, उनको कैसे बांध सकते हैं, भक्ति से ही बांध सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। और एक और बात मैं कहूं मोदी जी, शायद पहली बार आपने सुना हो,
अगर हमें भगवान की आवश्यकता है तो भगवान को भी हमारी आवश्यकता है, याद रखिए। मानव की सहयोग के बिना भगवान का कार्य पूरा नहीं होता। नहीं तो सुदर्शन चक्र था, चला लेते, युद्ध खत्म कर लेते। नहीं, क्यों अर्जुन के पीछे पड़ गए? खड़े हो जाओ, निमित्त मात्र मैंने सबको मार रखा है, खड़े हो जाओ, खड़े क्यों? क्योंकि हमारे सहयोग के बिना उनका कार्य पूरा नहीं। श्री राम ने भी जब चढ़ाई करनी थी श्रीलंका पर, तो अयोध्या से कोई नहीं आया। वहां के जो वनवासी हैं, और बहुत प्रगतिशील वनवासी हैं, ये दुर्भाग्य है कि हमारे उत्तर भारत के कवियों ने उनको वानर कह दिया, तो लोग समझते हैं वानर है, वानर नहीं है, बहुत ही प्रगतिशील। उनके देखिए कितनी बड़ी राजधानियां थी, तो इसलिए वो सब इकट्ठे किए, वो सेना बनी, तब जाके उनका कार्य पूरा हुआ। तो इसलिए हमें भगवान को बांधना है, जो आश्वासन ने किए कि नहीं तो ये ना हो जाए कहीं मोदी जी कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वो आश्वासन दे के जो चले गए बांसुरी बजाते बजाते, तो हम सब यहीं रह गए। और चौथी और अंतिम बात मैं कह रहा, संयुक्त समर्पण। अंत में जब सारी गीता समाप्त हो जाती है, ये तो प्रश्नोत्तरी है, आप जानते उपनिषद भी प्रश्नोत्तरी, हमारी संस्कृति ही प्रश्नोत्तरी की संस्कृति है। तो गीता में जो अंत में सब समाप्त हो जाता है, तो भगवान एक अपना श्लोक बोलते हैं, क्या कहते हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्म के धारयति इति धर्म, जो धारण करता है। कुछ तो समझते हैं कि उनकी उनका धन धारण करेगा, कुछ समझते हैं उनकी विद्या धारण करेगी, कोई समझते हैं उनकी सत्ता धारण, अंततो गत्वा दैविक शक्ति ही धारण कर सकती है। इसलिए वो कहते हैं सब धर्म को छोड़ो, मां शुच। आखिरी जो दो शब्द है देखिए गीता के, मां शुच, डरो नहीं। जैसे एक अंधेरे कमरे में बच्चा चल रहा हो तो माँ पीछे कहते डरो नहीं बेटा मैं विषय, तो कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं ना। इसलिए अंत में मैं श्री कृष्ण के प्रति ही एक श्लोक अर्पित करता हूं, जिसमें हम कह रहे हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके आज ही अपनी हमारी चेतना को अपने कृपा में ले लीजिए। अंतिम समय जब आएगा न जाने बोल पाएंगे, कहाँ होंगे, ICU में होंगे, कहाँ होंगे, इसलिए विलंब ना करें। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव मे विशितुमान स राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवाति पित्तेई कंठावरोधन विधव स्मरणम कुतस्ते। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आप कार्यक्रम को। अब मैं प्रधानमंत्री जी, उपराज्यपाल जी और डॉक्टर करण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि बुक रिलीज करें, और प्रधानमंत्री जी बटन दबा के बुक रिलीज करेंगे। वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्बत्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अब मैं प्रधानमंत्री जी, उपराज्यपाल जी और डॉक्टर करण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि बुक की फिजिकल कॉपीज रिलीज करें।
मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार हमारे सामने रखें। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, धर्मार्थ ट्रस्ट के चेयरमैन ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता की 20 व्याख्याओं को एक साथ लाने वाले 11 संस्करणों का लोकार्पण कर रहे हैं। मैं इस पुनीत कार्य के लिए प्रयास करने वाले सभी विद्वानों को, इससे जुड़े हर व्यक्ति को और उनके हर प्रयास को आदरपूर्वक नमन करता हूं और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने ज्ञान का इतना बड़ा कोष आज के युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुलभ करने का एक बहुत ही महान काम किया है। मैं डॉक्टर करण सिंह जी का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्य सिद्ध हुआ है। और जब भी मैं उनसे मिला हूं, एक प्रकार से ज्ञान और संस्कृति की धारा अविरत बहती रहती है। ऐसे बहुत कम बिरले मिलते हैं और आज ये भी बहुत शुभ अवसर है कि करण सिंह जी का जन्मदिवस भी है और 90 साल की एक प्रकार से उनकी एक सांस्कृतिक यात्रा है, तो मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आपके दीर्घायु होने, अच्छे स्वस्थ की बहुत ही कामना करता हूं। डॉक्टर करण सिंह जी ने भारतीय दर्शन के लिए जो काम किया है, जिस तरह अपना जीवन इस पवित्र कार्य के लिए समर्पित किया है, भारत के शिक्षा जगत पर उसका प्रकाश और प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आपके इस प्रयास ने जम्मू कश्मीर की उस पहचान को भी पुनर्जीवित किया है जिसने सदियों तक पूरे भारत की विचार परंपरा का नेतृत्व किया है। कश्मीर के भट्ट भास्कर, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, अनगिनत विद्वान जिन्होंने गीता के रहस्यों को हमारे लिए उजागर किया, आज वो महान परंपरा एक बार फिर देश के संस्कृति को समृद्ध करने के लिए तैयार हो रही है। ये कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के लिए भी गर्व का विषय है। साथियों, किसी एक ग्रंथ के हर श्लोक पर ये अलग अलग व्याख्याएं, इतने मनुष्यों की अभिव्यक्ति, ये गीता की उस गहराई का प्रतीक है जिस पर हजारों विद्वानों ने अपना पूरा जीवन दिया है। ये भारत की उस वैचारिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का भी प्रतीक है जो हर व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण, अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करती है। किसी के लिए गीता ज्ञान का ग्रंथ है, किसी के लिए सांख्य का शास्त्र है, किसी के लिए योग सूत्र है, तो किसी के लिए कर्म का पाठ है। और मैं जब गीता को देखता हूं तो मेरे लिए ये उस विश्वास के विश्व रूप समान है
जिसका दर्शन हमें 11वें अध्याय में होता है। मम देहे गुड़ाकेश यच्च अन्नत दृष्टमो इच्छसि, अर्थात मुझ में जो कुछ भी देखना चाहो देख सकते हो। हर विचार हर शक्ति के दर्शन कर सकते हो। साथियों, गीता के विश्व रूप ने महाभारत से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर कालखंड में हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। आप देखिए, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले आदि शंकराचार्य जी ने गीता को आध्यात्मिक चेतना के रूप में देखा। गीता को रामानुजाचार्य जैसे संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। स्वामी विवेकानंद जी के लिए गीता अटूट कर्मनिष्ठा और अदम्य आत्मविश्वास का स्रोत रही है। गीता श्री अरविंदों के लिए तो ज्ञान और मानवता के साक्षात अवतार थी। गीता महात्मा गांधी की कठिन से कठिन समय में पथ प्रदर्शक रही है। गीता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति और पराक्रम की प्रेरणा रही है। ये गीता ही है जिसकी व्याख्या बाल गंगाधर तिलक जी ने की और आजादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी थी। मैं समझता हूं कि ये सूची इतनी लंबी हो सकती है कि कई घंटे भी इसके लिए कम पड़ेंगे। आज जब देश आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है तो हम सबको गीता के इस पक्ष को भी देश के सामने रखने का प्रयास करना चाहिए। कैसे गीता ने हमारी आजादी की लड़ाई को ऊर्जा दी, कैसे हमारी स्वाधीनता सेनानियों को देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का साहस दिया, कैसे गीता ने देश को एकता के आध्यात्मिक सूत्र में बांध कर रखा, इस सब पर भी हम शोध करें, लिखें और अपनी युवा पीढ़ी को इससे परिचित कराएं। साथियों, गीता तो भारत की एकजुटता समत्व की भावना का मूल पाठ है, क्योंकि गीता कहती है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, अर्थात प्राणी मात्र में ईश्वर का निवास है, नर ही नारायण है। गीता हमारी ज्ञान और शोध की प्रवृत्ति की प्रतीक है, क्योंकि गीता कहती है नहि ज्ञानेन सदस्यम्, नहीं ज्ञानेन सदस्यम पवित्रम निहि विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र और कुछ भी नहीं है। गीता भारत के वैज्ञानिक चिंतन की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी गीता ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि गीता का वाक्य है ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अर्थात ज्ञान और विज्ञान जब साथ मिलते हैं तभी समस्याओं का दुखों का समाधान होता है। गीता सदियों से भारत की कर्मनिष्ठा का प्रतीक है, क्योंकि गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। साथियों, गीता एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसने ये कहने का साहस किया कि न अनव्याप्तम न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि, अर्थात सभी हानि लाभ और इच्छाओं से मुक्त ईश्वर भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। इसलिए गीता पूरी व्यावहारिकता से इस बात को कहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। अब ये हमारी जिम्मेदारी है
कि हम अपने कर्मों को क्या दिशा दें, कैसा स्वरूप दें। गीता हमें मार्ग दिखाती है, हम पर कोई आदेश नहीं थोपती। गीता ने अर्जुन पर भी कोई आदेश नहीं थोपा था, और अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे गीता आदेश नहीं देती है। श्री कृष्ण ने पूरी गीता के उपदेश के बाद अंतिम अध्याय में अर्जुन से यही कहा, अरे सब कुछ करने के बाद जितना जोर लगा रहा था लगा लिया, लेकिन आखिर में क्या कहा, यथा इच्छसि तथा कुरु, यानी अब मैंने जितना कहना था कह दिया, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे ऐसा तुम करो। ये अपने आप में शायद इससे ज्यादा लिबरल थिंकिंग कोई नहीं हो सकता है। कर्म और विचारों की ये स्वतंत्रता ही भारत के लोकतंत्र की सच्ची पहचान रही है। हमारा लोकतंत्र हमारे विचारों की आजादी देता है, काम की आजादी देता है, अपने जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार देता है। हमें आजादी उन लोकतांत्रिक संस्थाओं से मिलती है जो हमारे संविधान की संरक्षक है। इसलिए जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा पर, उनकी विश्वसनीयता पर चोट की जाए। हमारी संसद हो, न्यायपालिका हो, यहां तक कि सेना भी, उस पर भी अपने राजनीतिक स्वार्थ में हमले करने की कोशिश होती रही है। ये प्रवृत्ति देश को बहुत नुकसान पहुंचाती है। संतोष की बात है कि ऐसे लोग देश की मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। देश तो आज अपने कर्तव्यों को ही संकल्प मान करके आगे बढ़ रहा है। गीता के कर्मयोग को अपना मंत्र बनाकर देश आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, समाज के हर वंचित व्यक्ति की सेवा करने में, उनका जीवन बदलने के लिए प्रयास कर रहा है। साथियों, गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की है। गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व के लिए है, जीव मात्र के लिए है। दुनिया की कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, कितने ही देशों में इस पर शोध किया जा रहा है, विश्व के कितने ही विद्वानों ने इसका सानिध्य लिया है। ये गीता ही है जिसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा जैसे भारत के आदर्शों से परिचित कराया। नहीं तो भारत की निस्वार्थ सेवा, विश्व बंधुत्व की हमारी भावना, ये बहुतों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होती। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी दुनिया के सामने आई, उस समय जैसे पूरा विश्व इस क्षेत्र से अनजान था, एक अननोन एनिमी था, दुनिया तैयार नहीं थी, मानव तैयार नहीं था, और वैसे ही स्थिति भारत के लिए भी थी। लेकिन भारत ने खुद को भी संभाला और विश्व की सेवा भी के लिए भी जो भी कसर कर सकता है पीछे नहीं रहा। दुनिया के देशों को दवाइयां पहुंचाई, जरूरत जिन सामग्री की थी उसको पहुंचाया। आज दुनिया के कई ऐसे देश जिनके पास वैक्सीन के लिए साधन संसाधन नहीं थे, भारत ने उनके लिए बिना किसी बंद अनुबंध और शर्त के, कोई शर्त नहीं, हमने वैक्सीन पहुंचाई। वहां के लोगों के लिए भी ये सेवा किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं है, उनके लिए ये अलग ही अनुभव है। साथियों, इसी तरह दूसरे देशों के भी जो लोग दुनिया में अलग अलग जगह फंसे थे, भारत ने उन्हें भी सुरक्षित निकाला, अपने उनके देश पहुंचाया। इसमें भारत ने नफा नुकसान का कोई गणित नहीं लगाया, मानव मात्र की सेवा को ही कर्म मानकर भारत ने यह कर्तव्य निभाया। जब दुनिया के लोग, विश्व के नेता इसे भारत द्वारा की गई सहायता बताते हैं, भारत के प्रति मुझे धन्यवाद देते हैं,
तो मैं कहता हूं कि भारत के लिए ये सहायता नहीं, संस्कार है। भारत की दृष्टि में ये महानता नहीं, मानवता है। भारत सदियों से इसी निष्काम भाव से मानव मात्र की सेवा कैसे करते आ रहा है, ये मर्म दुनिया को तब समझ आता है जब वो गीता के पन्ने खोलती है। हमें तो गीता ने पग पग पर यही सिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी बिना फल की चिंता किए निष्काम भावना से कर्म करते रहो। गीता ने हमें बताया है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम्, अर्थात फल या लाभ की चिंता किए बिना कर्म को कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से करने में ही आंतरिक शांति होती है। यही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा अवार्ड है। साथियों, गीता में तामसिक, राजसिक और सात्विक तीन प्रवृत्तियों का वर्णन भगवान कृष्ण ने दिया है। यहां जब आप एक प्रकार से गीता से जुड़े हुए मर्मज्ञ लोग भी मेरे सामने हैं, आप सब जानते ही हैं कि गीता के 70वें अध्याय में इस पर कई श्लोक है। और मैंने अनुभव के हिसाब से अगर हम सरल भाव में इन तामसिक, राजसिक और सात्विक प्रवृत्तियों को कहें, तो जो कुछ भी सबके पास है वो मेरा हो जाए, हमें मिल जाए, यही तामसिक प्रवृत्ति है। इसके कारण दुनिया में युद्ध होते हैं, अशांति होती है, षड्यंत्र होते हैं। जो मेरा है वो मेरे पास रहे, जो किसी और का वो उसका है, वो उसके उसी में वो अपना गुजारा करें, ये राजसिक यानी सामान्य दुनियावी सोच है। लेकिन जो मेरा है वो उतना ही सबका है, मेरा सब कुछ मानव मात्र का है, ये सात्विक प्रवृत्ति है। इसी सात्विक प्रवृत्ति पर भारत ने हमेशा से अपने मानवीय मूल्यों को आकार दिया है, समाज का मापदंड बनाया है। हमारे यहां परिवारों में भी बच्चों को भी सबसे पहले यही सिखाते हैं, कुछ भी मिले पहले सबको बांट दो, बाद में खुद रखो। मैं मेरा नहीं करते मिलकर चलते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण भारत ने कभी अपनी पूंजी को, अपने ज्ञान को आने और अपने आविष्कारों को केवल आर्थिक आधार पर नहीं देखा। हमारा गणित का ज्ञान हो, टेक्सटाइल हो, मेटलर्जी हो, जैसे कई प्रकार के व्यापारिक अनुभव हो, या फिर आयुर्वेद का विज्ञान हो, हमने इन्हें मानवता की पूंजी माना। आयुर्वेद का विज्ञान तो उन युगों से मानवता की सेवा कर रहा है जब आधुनिक मेडिकल साइंस इस रूप में नहीं था। आज भी जब दुनिया एक बार फिर से हर्बल और नेचुरल की बात कर रही है, ट्रीटमेंट से पहले हीलिंग की ओर देख रही है, आज जब आयुर्वेद पर अलग अलग देशों में शोध हो रहे हैं तो भारत उसे प्रोत्साहित कर रहा है, अपनी मदद भी दे रहा है। अतीत में भी हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र आए, विदेशी यात्री आए, हर किसी को हमने अपना ज्ञान विज्ञान पूरी उदारता से दिया। हमने जितनी ज्यादा प्रगति की उतना ही मानव मात्र की प्रगति के लिए और प्रयास हम करते रहे हैं। साथियों, हमारे यही संस्कार, हमारा यही इतिहास आज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के रूप में एक बार फिर जागृत हो रहा है। आज एक बार फिर भारत अपने सामर्थ्य को संवार रहा है ताकि वो पूरे विश्व की प्रगति को गति दे सके, मानवता की ओर ज्यादा सेवा कर सके। हाल के महीनों में दुनिया ने भारत के जिस योगदान को देखा है, आत्मनिर्भर भारत में वही योगदान और अधिक व्यापक रूप में दुनिया के काम आएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज देश को
गीता के कर्मयोग की जरूरत है। सदियों के अंधकार से निकलकर एक नए भारत के सूर्योदय के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमें अपने कर्तव्यों को पहचानना भी, उनके लिए कृत संकल्प भी होना है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठत परंतप, अर्थात छोटी सोच, छोटे मन और आंतरिक कमजोरी को छोड़कर अब खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण ने यह उपदेश देते हुए गीता में अर्जुन को भारत कहकर संबोधित किया है। इसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। आज गीता का यह संबोधन हमारे भारतवर्ष के लिए है, 130 करोड़ भारतवासियों के लिए है। आज इस आह्वान के प्रति भी नई जागृति आ रही है। आज दुनिया भारत को एक नए नजरिए से देख रही है, एक नए सम्मान से देख रही है। हमें इस बदलाव को भारत की आधुनिक पहचान, आधुनिक विज्ञान के शिखर तक लेकर जाना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर ये लक्ष्य हासिल करेंगे। आजादी के 75 साल देश के एक नए भविष्य की शुरुआत का आधार बनेंगे। मैं फिर एक बार डॉक्टर साहब को, इस ट्रस्ट को चलाने वाले सभी महानुभावों को और इस काम को करने के लिए आपने जो मेहनत की, इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि इस किताब से जो लोग रेफरेंस के रूप में किताब का उपयोग करने के आदि होते हैं, उनके लिए ग्रंथ बहुत अधिक काम आएंगे, क्योंकि हम जैसे लोग हैं उनको जरा ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसमें रेफरेंस के लिए सुविधा बहुत रहती है और इसके लिए भी मैं मानता हूं ये अनमोल खजाना आपने दिया है। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, शायद विश्व का ये पहली चिंतन धारा ऐसी है, ये विश्व का पहला ऐसा ग्रंथ है, विश्व का पहला ऐसा मार्गदर्शन है जो युद्ध की भूमि में रचा गया है, शंखनाद के बीच रचा गया है, जहां जय पराजय दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय कहा गया है। ऐसी प्रतिकूल वातावरण, अशांत वातावरण, उद्वेग वाले वातावरण, उसमें इतना शांत चित्त विचारधारा निकलना, ये इस अमृत प्रसाद के सिवाय कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा गीता का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को, वो जो उस भाषा में समझे, जिस रूप में समझे, उस रूप में देते रहना हर पीढ़ी का काम है। डॉक्टर करण सिंह जी ने, उनके पूरे परिवार ने, उनकी महान परंपरा ने इस काम को हमेशा जीवित रखा है। आगे की पीढ़ियां भी जीवित रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और डॉक्टर करण सिंह जी की सेवाएं हम हमेशा याद रखेंगे। इस महान कार्य के लिए मैं आदरपूर्वक उनका नमन करता हूं। और उन आयु में इतने वरिष्ठ हैं, सार्वजनिक जीवन में इतने वरिष्ठ हैं कि उनके आशीर्वाद हम पर बने रहें, ताकि हम भी इन आदर्शों को लेकर कुछ न कुछ देश के लिए करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।